हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ये मेरी सुबह सुबह की क्लिप है, वहाँ पे मैं आलू बैंगन की सब्ज़ी बना रही थी। और ये कुकर है, कुकर में मैं चावल बना रही थी। आज मैंने सोचा नहीं आज मैं चावल बनाऊंगी, तो मैं कुकर में चावल बनाई थी। अच्छा रहता है, हेल्दी भी होता है कुकर का चावल, है ना। और यहाँ पे ये बाबू एकदम मेरा ऐसे ही खेल रहा था, मतलब सो बाबू के उठा ना, तो हम बुको सोचे ऐसे ना रोने लगे, तो मैं जैसे ही कैमरा लगाए वैसे ही चुप हो गया था। छुच्छू कर दिया और छुच्छू। उसके बाद और फिर यहाँ धूप में आ गए थे, 11 बज रहा था। सोची बाबू को तेल लगा दूंगी, क्योंकि धूप भी जरूरी है, ठंडा में विटामिन डी प्राप्त होता है धूप से भी, है ना। इसीलिए आप लोग भी धूप लिया कीजिए, बच्चों को दिखाया कीजिए, और जो बुजुर्ग हैं उन्हें भी धूप में बैठाया कीजिए, जिससे शरीर की हड्डियाँ थोड़ी सही रहे, मजबूत हो जाए। और ये देखिए, यहाँ पे मैं तकिया बना रही थी। अरे क्या है, देखिए आटा वाला बोरी था ना, मतलब क्या बोलते हैं, थैला, बहुत सारा रखा हुआ था। और पिल्लो भी मेरे पास नहीं था, सुई चुभ गया। और बाबू का बहुत सारा छोटा कपड़ा था, तो वो सब ऐसे इधर उधर वेस्ट जाता, फेंकाता, इसीलिए मैं और इनका शर्ट था, जीन्स था, बाबू नंदिनी का भी जीन्स था, तो मैं दोनों को सबको इसमें रख दी। और मेरा कुछ टी शर्ट था, प्लाजो था, सब इसमें मैं पैक कर दी, है ना। सही, कवर लगा दूंगी ऊपर से, मेरा तकिया, होममेड तकिया यूज भी हो जाएगा, है ना, हल्का है। कवर लगा दूंगी इसका, है ना, कैसा रहेगा इसको। और फिर यहाँ पे देखिए, मैं कैंची मांग मांग कर सबसे सीजर थक गई, मतलब था सभी के घर में, सबके घर में अवेलेबल यहाँ पे था, पास में पड़ोस में, मेरे घर नहीं था तो बस, लेकिन कोई देना नहीं चाहा। सारे लोग, क्या बताऊँ मैं सबको, इतना लोग सेल्फिश होते हैं, हमें समझ में नहीं आता क्यों, आखिर किस लिए। ये नहीं सोचते अगर किसी को होठ पे थोड़ा सा मुस्कुराहट दे देंगे तो उसको कितना खुशी होगा, लेकिन कोई ना जाने दीजिए। बहुत लोग से मांगे लेकिन कोई नहीं दिया, तो फिर मैं इसी तरह से ब्लेड से काट करके और सिल हाथ से ही, मैं सिलाई कर ली थी तकिया का, मतलब उसमें लगाने के लिए ऊपर से कवर टाइप, और ऐसे ऐसे मैं सिल रही थी। मुझे ना बहुत तकलीफ़ होता है, पता नहीं क्यों, मुझे लगता है मैं सबको इतना दिल खोल कर, मगर लेकिन कोई मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, समझ में नहीं आता। पता, मुझसे कोई एक चीज़ मांगता है ना, थोड़ी सी मांगता है ना, तो मैं उसको इतना दे देती हूँ दिल खोल के, लगता है और क्या कर दूँ ताकि वो खुश रहे। लेकिन लोगों की सोच ऐसी नहीं है, बहुत सोच गिरी हुई है, और ऐसी गिरी हुई सोच वाले कभी आगे नहीं बढ़ते। और लाख धन रहे, लाख संपत्ति रहे, लेकिन वो कभी खुश नहीं रहते, उनके यहाँ कभी संग, क्या बोला जाता, शांति नहीं रहता है। बस मैं यही कहूँगी, किसी को भी दुख मत दीजिए, और किसी को भी अपने रोने का कारण मत बनाइए कि कोई कुढ़ जाए। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। कोई नहीं, देखिए मैं भी आखिर में, क्या आपको हेल्प नहीं करने से, किसी के हेल्प नहीं करने से वो आदमी आगे नहीं बढ़ेगा, वो तो और मजबूत हो जाता है, तो आगे भी बढ़ता है। मैं आखिरकार सिल भी ली थी। और ये देखिए, यहाँ पे बाबू भी बीच बीच में परेशान कर रहा था, तो मैं बाबू को भी थोड़ी सी ये डायपर पहना दी, क्योंकि बार बार ये वो टॉयलेट कर रहा था, और शाम होने को था ही, यहाँ पे शाम हो गया था। और सॉरी, थोड़ा सा मैं बोल नहीं पाती, कैसे बोल पाती हूँ समझ में नहीं आता, तो मैं जल्दी जल्दी सिलाई कर रही थी कि जल्दी जल्दी हो जाएगा तो सही है, क्योंकि मुझे आदत है, कोई भी काम को जब मैं शुरू कर देती हूँ तो उसको अंत करके ही दम लेती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बस यही था, मैं यहाँ पे सिलाई कर रही थी, और मैं ना अपना सारा इसी डब्बे में रखती हूँ, सुई धागा बटन सब चीज़ इसी में रखती हूँ। और मैं बहुत कुछ बोलना चाह रही थी, भूल गई, कोई ना, जाने दीजिए। बार मैं ऐसे देख रही थी कि बाबू फिर तो नहीं रो रहा है हो जाता है ना ऐसे, कभी कभी इंसान को थोड़ी सी हो जाती है, कोई ना।
ऐसे ही इसीलिए मैं किसी के घर नहीं जाती, किसी के पास नहीं बैठती। भैया सब आपके लिए लाख है, मेरे लिए खाक है आपका वही धन। अगर आप किसी को थोड़ी सी हेल्प कर देना तो मैं उन किसी का सीजर खा नहीं जाती। बस थोड़ी सी तो काटना था, बट कोई नहीं दिया। बट कोई नहीं दिया तो कोई नहीं, हमें भी कोई तकलीफ़ नहीं है, बस थोड़ी सी हो जाती है, जाने दीजिए, है ना। भगवान एक दिन मेरे घर भी देगा, और भगवान ऐसा करे कि मैं उन लोग को भी दूँ। मंडे दिन है, मंडे, और तारीख है 6 दिसंबर, और मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो इसका तारीख है 7 दिसंबर, और दिन है ट्यूजडे। Did you get ready in the dark or something? 'Cause you look like a beautiful nightmare. Don't you know? Just wish he knew that's just like him. I miss your eyes, I need you, I want you. और फिर इसके बाद शाम हो चुकी थी, मंडे था तो मार्केट भी लगी थी। मैं वहाँ से मटर ले आई थी तो आलू के पराठा बना दी थी, मटर डालकर फर्स्ट पार्ट डाल के बनाई थी, बहुत फट गया था, बट कोई नहीं होता है। अरे ये तुरंत आलू गर्म में ही अथी की थी ना तो थोड़ा पिच पिच हो गया था, क्योंकि आलू नया वाला आलू था। तो ठीक है, मेरा आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर ज़रा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, है ना, और लवली लवली कमेंट कीजिएगा, और जो लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ऑल पे, ताकि मेरे हर नोटिफिकेशन आप लोग को मिले। मिलती हूँ।